This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने गवर्नमेंट ऑर्डर जीओ जारी करते हुए कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू में मजीद एक हफ्ते की तौसी कर दी है। नाइट कर्फ्यू के औकात रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी। जियो के मुताबिक ऑफिसर्स, फर्म्स, दुकानें, एस्टैब्लिशमेंट्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह रात 8 बजे बंद हो जाएंगे और तमाम अफराद की नकल व हरकत रात 9 बजे बंद होगी। ताहम हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स लैब्स, फार्मेसी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशंस, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विसेज, आईटी, आईटी एनेबल सर्विसेज, पेट्रोल पंप्स, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस आउटलेट, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कोल्ड स्टोरेज, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, प्रोटेक्शन यूनिट सर्विसेज नाइट कर्फ्यू के बावजूद अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। उन्हें अपने पास वैलिड आईडी कार्ड रखना है। तेलंगाना हाई कोर्ट में मामले की समाप्त के बाद रात के कर्फ्यू में कुछ दिन की तौसी कर दी गई। अदालत ने नोट किया था कि 1 मई के रात को कर्फ्यू सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोविड केस में इजाफे पर काबू पाने के लिए नए इकदाम का ऐलान नहीं किया गया। क्या तेलंगाना के वज़ीर सेहत एटला राजेंद्र को रियासती कैबिना से खारिज कर दिया जाएगा? क्योंकि मेदक के अचंपेट गांव से कई किसानों ने एटला राजेंद्र के खिलाफ ज़मीनों पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज की। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश से मेदक के अचंपेट गांव में एटला राजेंद्र की जानिब से ज़मीन पर कब्जे की शिकायत पर एक रिपोर्ट तलब की। इब्तदाई रिपोर्ट विजिलेंस डीजे पूर्णा चंद्रा ने पेश की। कम से कम 3 जरियों से इस बात की तस्दीक की है कि एटला राजेंद्र ने एक नई सियासी पार्टी का आगाज़ करने के लिए तेलंगाना में कुछ दूसरे बड़े सियासी नामों के साथ हाथ मिलाया है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। प्रेस क्लब ऑफ हैदराबाद की जानिब से प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए एक हेल्प डेस्क मुहिम का आगाज़ होगा। इसमें ऑनलाइन डॉक्टर्स के मशावरात, होम आइसोलेशन, मेडिकल किट्स और हॉस्पिटल में दाखिले की सहूलत मौजूद रहेगी। 1 या 2 हफ्ते में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम भी शुरू करने का ऐलान किया, क्योंकि मुल्क कोविड-19 के दूसरे बुलंद मुकाम पर पहुँच चुका है। अब तक कोविड-19 की वजह से तेलंगाना में 17 सहाफ़ी हलाक हो गए और मुल्क भर में कोविड से सहाफ़ियों के हलाक होने की मजमुई तादाद 101 पर पहुंच चुकी है। टेलीविज़न के मशहूर सहाफ़ी रोहित सरदाना का कोविड-19 के मुस्बत टेस्ट के चंद दिन बाद जुमा को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कार्डियक अरेस्ट की वजह से इंतकाल हो गया। रोहित सरदाना इंडिया टुडे ग्रुप के आज तक न्यूज़ चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर और टीवी एंकर थे। रोहित सरदाना की मौत पर सभी हिंदुस्तानियों ने गम का इजहार किया। पुलिस की जानिब से मल्लेपल्ली बाजार घाट में वाक़ यूनाइटेड गैस एजेंसी पर छापा मारते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की महंगे दामों पर कालाबाजारी करने वाले 2 अपराध रविकांत और चंद्रकांत को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त कर लिया। डायरेक्टर महकमा सेहत हुकूमत तेलंगाना के खसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में कोविड के 7,646 ताज़ा नए केसेस रिकॉर्ड होने और 53 मुतासरीन की कोविड से मौत होने की इतला दी। तेलंगाना में अब तक कोविड के मजमुई तादाद 4,35,000 हो गई और हलाकतों की मजमुई तादाद 2,261 तक पहुँच गई। GHMC में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस की तादाद 1,441 रिकॉर्ड हुई। मेडचल मलकाजगिरी में 631 और रंगारेड्डी में 484 रिकॉर्ड की गई।